हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, टुडेस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल एंड आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप 10 एग्जॉटिक पेट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन साइट्स लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, 10 एग्जॉटिक पेट्स के बारे में मैं बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है लोग रखते हैं, बट वो अपने यहाँ जो साइट्स की लिस्ट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो लेटेस्ट गवर्नमेंट एडवाइजरी के हिसाब से हमको उनको रखने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट एडवाइजरी, दीज पेट्स विल नॉट बी, वी नीड नॉट रजिस्टर दीज पेट्स। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। जो पहली बार जो फर्स्ट जो है हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन एग्जॉटिक पेट्स। कॉमन क्या, ये थोड़े कॉस्टली हैं और लोग बड़े शौक से रखते हैं इनको, तो ऐसे एग्जॉटिक पेट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है इनके बारे में मैं आपको जो बता दूँ। जो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला आता है वो है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। गाइस, अफ्रीकन ग्रे पैरेट जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अफ्रीकन ग्रे पैरेट इसका साइंटिफिक नेम ये है, और ये जो है साइट्स की शेड्यूल 1 में आता है। तो एडवाइजरी के हिसाब से आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो दूसरा गाइस आता है जो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद है, वो है सन कॉर्नूरिया, सन पैराकिट। ये गाइस शेड्यूल 2 साइट्स की जो अपेंडिक्स 2 है उसमें इंक्लूडेड है। ये गाइस आप देख सकते हैं, इसमें जो है मैंने जो है जो एग्जॉटिक स्पीशीज है वो उसका साइंटिफिक नेम, और इसके बारे में ये मैंने कहाँ से लिया है, कैसे सर्च करना है, आपको मैंने जो है ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके मैंने वो वीडियो टैग किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट अफ्रीकन ग्रे पैरेट एंड सन कॉर्नूर, दीज आर इंक्लूडेड इन द साइट्स लिस्ट, सो वी हैव टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर दीज पेट्स एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट एडवाइजरी। जो तीसरा एग्जॉटिक स्पीशीज पेट है गाइस, वो है जावा स्पैरो। जावा स्पैरो बहुत लोग पालते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये भी जो है साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो अगर आपके पास जावा स्पैरो है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये साइट्स की जो साइट ऑफिशियल साइट है उसमें जो है अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है। गाइस, जावा स्पैरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन साइट्स एनिमल्स लिस्ट, सो यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन इफ यू आर हैविंग ए जावा स्पैरो। जो तीसरा है गाइस, वो है पाइनएप्पल कॉर्नूर। ऑलमोस्ट जितने भी कॉर्नूर हैं, कॉर्नूर स्पीशीज के बर्ड्स हैं, वो सब जो है साइट्स की लिस्ट में मौजूद है, तो आप उनको जो चेक कर सकते हैं। कोई भी हो, कैसे करना है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। गाइस, ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज ऑफ सन कॉर्नूर बर्ड्स आर और कॉर्नूर पैरेट्स आर प्रेजेंट इन साइट्स लिस्ट, सो इफ यू आर हैविंग एनी कॉर्नूर बर्ड यू नीड टू रजिस्टर देम ऑन परिवेश टोटल। उसके बाद गाइस बात करते हैं, कई लोग जो है इगोना को भी रखते हैं, इग्वाना जो कहते हैं, या कई लोग इगोना कहते हैं, कई लोग इग्वाना कहते हैं। तो इग्वाना भी गाइस एग्जॉटिक स्पीशीज में आता है, और ये साइट्स की जो है लिस्ट, सेकंड लिस्ट में, अपेंडिक्स 2 में प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास ये है तो आपको इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गाइस, ग्रीन इग्वाना इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइट्स अपेंडिक्स, सो यू नीड टू रजिस्टर देम ऑन साइट्स परिवेश पोर्टल एज पर द लेटेस्ट एडवाइजरी इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद गाइस, ये तो बहुत ही रेयर है, बॉल पाइथन जो है कई लोगों के पास नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ पसंदीदार लोग हैं जो रखते हैं अपने पास, क्योंकि थोड़े महंगे भी आते हैं और इनका रखरखाव भी बड़ा मुश्किल होता है। ये भी गाइस साइट्स की जो है अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है। तो गाइस, इफ यू आर हैविंग ए बॉल पाइथन देन यू नीड टू रजिस्टर इट ऑन परिवेश पोर्टल, बिकॉज दिस स्पीशीज ऑल दिस पेट एग्जॉटिक पेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ साइट्स एनिमल्स। अब गाइस बात करते हैं टॉप 10 ऐसे स्पीशीज की, या टॉप 10 ऐसे एग्जॉटिक पेट्स की जो साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड ही नहीं है, या साइट्स की लिस्ट में उनको जगह नहीं दिया गया है, या उन्होंने अपने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, या उनको लिस्ट में इंक्लूड किया है तो एनसी कैटेगरी, एनसी मतलब नॉन साइट्स एनिमल की कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया है। सो गाइस, टू नाउ आई विल बी टेलिंग अबाउट टॉप 10 एग्जॉटिक पेट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन साइट लिस्ट और विच दे हैव इंक्लूडेड बट इन एनसी कैटेगरी। एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन साइट्स एनिमल कैटेगरी। सो द फर्स्ट एंड जो सबसे ज़्यादा और बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या बजिस जो है एग्जॉटिक स्पीशीज में आते हैं, वो एग्जॉटिक पेट्स हैं जो जिनको जो है रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। गाइस, लेट मी टेल यू हियर दैट बजिस जो है ये एनसी कैटेगरी में आते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये नॉन साइट्स कैटेगरी में आते हैं। गाइस, इफ यू हैव ए बजी देन यू नीड नॉट रजिस्टर इट ऑन परिवेश पोर्टल बिकॉज दिस स्पीशीज आर प्रेजेंट इन एनसी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विच आर प्रेजेंट ऑन साइट्स वेबसाइट। एनसी का मतलब है गाइस कि नॉन साइट्स। आप अगर इनके साइंटिफिक नेम बजिस का जो साइंटिफिक नेम से सर्च करेंगे तो आपको उनकी कैटेगरी एनसी दिखाएगी, मतलब ये है। और
प्रवेश पोर्टल पे जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है उस पर क्लियर कट मेंशन है कि ओनली दोज एनिमल्स नीड टू बी रजिस्टर्ड विच आर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1, 2 और 3 ऑफ साइट्स एनिमल स्पीसीज। सो 1, 2, 3 में नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि इनका जो है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड जो मोस्ट लोगों के पास ये एग्जॉटिक पेट रहता है और इसकी क्वेरी सबसे ज्यादा आ रही थी वो है गाइस की जो है लवबर्ड्स के बारे में, अफ्रीकन लवबर्ड्स। तो गाइस मैं आपको इसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अफ्रीकन लवबर्ड्स के बारे में। टोटल जो है अफ्रीकन लवबर्ड्स की 9 स्पीसीज होती है और इसमें से सिर्फ एक स्पीसीज जो रोजी फेस्ड या रोजी लवबर्ड्स कहलाते हैं सिर्फ इनको जो है एक्सक्लूड किया गया है साइट्स की लिस्ट से, ये एनसी कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो 8 रिमेनिंग स्पीसीज है अफ्रीकन लवबर्ड्स की वो किसी न किसी कैटेगरी में, जनरली कैटेगरी 2 में ही या अपेंडिक्स 2 में ये सब इंक्लूडेड है। सो अगर आपके पास लवबर्ड है और अगर वो पीच फेस या रोजी फेस लवबर्ड नहीं है तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गाइस टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन लवबर्ड्स, देर आर टोटल 9 स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन लवबर्ड्स एंड 8 ऑफ देम आर प्रेजेंट इन साइट्स अपेंडिक्स। सो इफ यू आर हैविंग एनी अफ्रीकन लवबर्ड्स प्लीज चेक देम विच स्पीसीज दे बिलोंग टू। एक्सेप्ट रोजी फेस्ड और पीच फेस्ड लवबर्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज ऑफ अफ्रीकन लवबर्ड्स आर इंक्लूडेड इन साइट्स वेबसाइट, साइट्स एनिमल लिस्ट। सो यू हैव टू रजिस्टर देम एज पर द गवर्नमेंट एडवाइजरी। बात करते हैं गाइस अब तीसरा जो एक्जॉटिक पेट है वो है कॉकटेल्स। कॉकटेल्स जो है गाइस ये भी एनसी कैटेगरी में आते हैं और इस अगर आपके पास कोई भी कॉकटेल है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इफ यू आर हैविंग ए कॉकटेल देन देर इज नो नीड ऑफ रजिस्टरिंग देम बिकॉज दिस रिप्रेजेंट एनसी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड इन साइट्स वेबसाइट। जो फोर्थ कॉमन पेट है गाइस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है जिब्रा फिंच। जिब्रा फिंचेस गाइस दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन साइट्स लिस्ट, ये जो है साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। सो अगर आप इसको रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पेट गाइस ये है गोल्डियन फिंच। गोल्डियन फिंच गाइस ये बहुत लोगों के पास रहती है, बहुत कलरफुल जो है फिंच है और कई लोगों की क्वेरीज भी थी। तो गाइस दीज आर गोल्डियन फिंच इज नॉट इंक्लूडेड इन साइट्स एनिमल्स लिस्ट। सो अगर आपके पास गोल्डन फिंच है तो यू नीड नॉट रजिस्टर इन और परिवेश पोर्टल, ये जो है जो गवर्नमेंट एडवाइजरी है उससे जो है ये बाहर है। द नेक्स्ट कमिंग टू गाइस ये है सोसाइटी फिंच या जिसे बंगाली फिंच कहते हैं। गाइस ये भी जो है साइट्स की वेबसाइट में ये नॉन साइट्स एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ये जो है उनकी साइट्स की लिस्ट में नहीं है। सो इनके भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। गाइस इफ यू आर हैविंग ए सोसाइटी फिंच ऑफ बंगाली फिंच then you need not register them on Parivesh portal as per government advisory। उसके बाद guys coming to the last three, the last three है ये बहुत ही rare लोगों के पास ये exotic pets रहते हैं but इनकी भी जो है registration के लिए आपको जरूरत नहीं है because these three, the last three animals exotic pets which I am going to tell these are also not included in the site's website। उसमें जो है guys पहला है गनी पिग जो है कई लोग रखते हैं, कई लोग के पास जो है होता है, कई लोग नहीं भी रखते हैं, बट इसकी क्वेरी सारी थी क्या इंक्लूडेड है। तो गाइज ये जो है इंक्लूडेड नहीं है साइट्स की वेबसाइट में, जो है ये गनी पिग जो है इनके इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपके पास है तो इनकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। गाइज गनी पिग गाइज इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन साइट्स एनिमल स्पीशीज, सो इफ यू आर हैविंग देम यू नीड नॉट रजिस्टर देम। उसके बाद गाइज आता है हेजहॉग। हेजहॉग जो है ये बहुत ही रेयर है, बहुत लोग कम ही लोग के पास ये देखने को मिलता है, बट गाइज ये भी जो है साइट्स की स्पीशीज में नहीं है। सो अगर आपके पास हेजहॉग है तो उसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज इफ यू आर हैविंग ए हेजहॉग विथ यू, यू नीड नॉट रजिस्टर देम बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन साइट्स एनिमल स्पीशीज। और जो लास्ट है गाइज इसके लिए भी जो है कई कमेंट्स आए हुए थे, कई लोग जानना चाह रहे थे गाइज, वो है शुगर ग्लाइडर। शुगर ग्लाइडर जो है ये भी एग्जॉटिक पेट है जो कई लोग रखते हैं अपने पास, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज ये भी साइट्स की साइट में नहीं है और साइट्स की स्पीसीज में नहीं आते हैं। सो अगर आपके पास शुगर ग्लाइडर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। गाइज इफ यू आर हैविंग ए शुगर ग्लाइडर देन यू नीड नॉट रजिस्टर देम बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट ऑफ एनिमल्स प्रोवाइडेड बाई साइट्स। गाइज ये तो हो गई ये जो एग्जॉटिक पेट्स बात। तो एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा गाइज की जितने भी मैंने आपको अभी एनिमल्स बताए हैं ये जो है हो सकता है कि इसमें से कई एक किसी एनिमल की फैमिली में ऐसे कई स्पीशीज हो सकते हैं जो साइट्स की साइट में इंक्लूडेड हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जो लवबर्ड्स का मैंने कहा है, तो उसमें लवबर्ड्स में टोटल 9 स्पीशीज होते हैं, 9 में से 8 जो है उसमें है बट एक स्पीशीज नहीं है। वैसे ही जो एनिमल्स मैंने आपको बताया है उसमें भी हो सकता है कि
जो डिफरेंट स्पीशीज हो, एक उसमें एक स्पीशीज जो एक्सक्लूडेड हो, दो हो या पांच इंक्लूडेड हो, दस ना इंक्लूडेड हो। तो गाइस जो भी आपके पास स्पेसिफिक पेट है उसको एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए साइट्स की साइट से। और चेक कैसे करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है और लिंक भी दे रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और मैंने पहली बार जो है वीडियो बाइलिंगुअल में बनाया है गाइस, आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन बाइलिंगुअल। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मी टू मेक सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस इन फ्यूचर आल्सो, आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट ऑन दिस सो दैट आई विल बी मेकिंग इट बाइलिंगुअल, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। आई हैव मेड ऑल माई वीडियोज इन हिंदी, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट आई मेक वीडियोज इन bilingual medium, then in future I will be making videos in both languages. Hope you guys like the video, and if you are here for the first time, please do like and subscribe my channel. Thank you.